हेलो डी स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के बारे में, जो कि इंट्रोडक्शंस टू टिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और उम्मीद करता हूं कि इससे पहले जो कॉन्सेप्ट की वीडियोज हैं उसको आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा, ताकि जो एक्सरसाइज 8.1 है इसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट को, इसके क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप समझ पाएं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सरसाइज 8.1 के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक चीज मैं बताऊं, हमेशा राइट एंगल पे कोई भी क्वेश्चंस रहता है ज्यादातर। और यहां पे देखिए, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ए बी की वैल्यू दी हुई है हमें, राइट, और बी सी की वैल्यू हमें दी हुई है, हमें ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाले हैं। और ये पाइथागोरस थ्योरम जब हम यूज करेंगे तो एसी की वैल्यू आएगी, यानी कि सबसे पहले हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना है। जैसे ही यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे ए बी सी के अंदर, तो एसी का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर होगा, ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, राइट, तो ये कितना हो जाएगा 576, और ये हो जाएगा 7 के स्क्वायर 49। 576 प्लस 49 ये हो जाएगा 625, और 625 का अगर अंडर रूट फाइंड आउट करेंगे तो एसी की वैल्यू आ जाएगी 25। यानी कि एक चीज बहुत ही क्लियरली हमारे माइंड में फिट हो चुकी है कि इस कंप्लीट को सॉल्व करने के बाद हमें जो एसी की वैल्यू मिली है वो 25 हमें मिली है। इस एसी की वैल्यू, ये 25 मिल चुका है, ये बीसी मिल चुका और ये ईबी मिल चुका। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। साइन ए का मतलब क्या हुआ, देखिए साइन ए का मतलब क्या हुआ, यानी कि थीटा, ये जो एंगल ए है इसके जस्ट सामने वाली जो लाइन है वो क्या कहलाती है, वो अपोजिट साइड्स कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाएगी, राइट। और जिस पे हम खड़े होते हैं, मैंने कॉन्सेप्ट में आपको समझाया कि ये आपकी आंखें हैं, राइट, आंख के ठीक सामने वाली जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है, कुछ लोग अपोजिट साइड्स भी कहते हैं, राइट। और ये होता है आपका बेस। और आपको मैंने बताया है पागल बच्चा पागल होते होते बचा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा, परपेंडिकुलर आप अपोजिट साइड्स भी बोल सकते हैं और इसको एडजेसेंट साइड भी बोल सकते हैं। ये हो गया 7 और हाइपोटेनस आपका कितना आया 25, तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/25। इस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं हम, ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं और इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये तो आपका डायग्राम था और यहाँ पे हमने एसी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली थी। साइन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इक्वल टू मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, क्योंकि पागल पागल बच्चा पागल होते होते बचा, राइट। तो ये पागल P और H4 हाइपोटेनियस, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा क्या है हाइपोटेनियस 7/25। साइन ए की बात हो रही है, अब ध्यान रखिए कि यहां पे इसी तरीके से कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारा क्या दिया हुआ है ए बी और हाइपोटेनियस ए सी, यानी ए बी अपॉन ए सी, यानी कि 24/25। अब हम बात करेंगे कि जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ, अब यहां पे एंगल चेंज हो चुका, सी हो चुका है, एंगल सी हो चुका, तो एक चीज ध्यान रखिए, अब इस बार जो आपकी आंख है वो ये होने वाली है, एंगल सी पे आंख होने वाली है, और एंगल सी के ठीक सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर कहलाएगी, और ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, राइट। फिर हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, पागल बच्चा पागल होते होते बचा, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस जो है वो क्या होता है, साइन सी की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होगी साइन सी की वैल्यू होगी, तो आप देख सकते हैं साइन सी की वैल्यू ए बी अपॉन ए सी, ये ए बी अपॉन ए सी, तो 24/25। इसी तरीके से कॉस सी बी सी अपॉन ए सी, कॉस सी यानी कि बेस, बेस हमारा क्या है 7, और ए सी यानी कि हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 25। आप इसको चाहें तो अपोजिट साइड्स भी कह सकते हैं एंगल सी का, और इसको कह सकते हैं एडजेसेंट साइड भी कह सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीजों को समझते हैं। जैसे आपको इजी लगे आप उस तरीके से समझिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, काफी आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन के बारे में। अब सेकंड क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे ये है आपका डायग्राम और यहाँ पे हमें टैन पी माइनस कोट आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए, अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होगा ताकि हम क्यू आर की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाए। जैसे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे पी क्यू आर के अंदर, हमें पता है कि जो पी आर का स्क्वायर है वो बराबर होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12,
का स्क्वायर प्लस क्यू आर। अब क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 13 का स्क्वायर यानी कि 169, 12 का स्क्वायर यानी कि 144, और क्यू आर का जो स्क्वायर होगा इसको फाइंड आउट करने के लिए 169 में से 144 को माइनस करेंगे, 25 आएगा और क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 5। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो क्यू आर की वैल्यू आई है वो आई है 5। अब हमारा टारगेट टेन पी को फाइंड आउट करना है और कॉट आर को फाइंड आउट करना है। टेन पी फाइंड आउट करना है, टेन टेन पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। देखिए टेन पी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, पी मतलब ये एंगल और इसके जस्ट सामने वाली जो साइड होगी, जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वो क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। अब ये जो हो जाएगा आपका बेस और ये हो गया आपका हाइपोटेनियस, राइट। तो ये आपकी आंखें आंखों के ठीक सामने अपोजिट साइड होगी। अब आपको यूज करना है पागल बच्चा पागल होते होते बचा, तो ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन, राइट। पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, देखिए परपेंडिकुलर आपका क्या है, ठीक सामने वाली साइड हो गई 5, और बेस आपका क्या है, बेस आपका क्या है पी क्यू, तो आप कह सकते हैं 12, 5/12 हो गया ये। और फिर हम कॉट आर की भी वैल्यू पुट कर लेंगे उसी तरीके से सेम। देखिए अब इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, आपका फोकस ये 5 आ चुका है, अब आपका फोकस टेन पी यानी कि ठीक वही चीज आपको यूज करना है जैसा मैंने आपको बताया है, पागल बच्चा पागल होते होते बचा, और ठीक उसी तरीके से हम इसकी वैल्यू को पुट करने वाले। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, हर समय काम होने वाला है, हर समय काम आने वाला है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका 5, राइट, और क्योंकि ये पी के जस्ट सामने वाली साइड, और बेस आपका 12, राइट। इसी तरीके से कॉट आर में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 5/12 होगा, राइट। लेकिन जैसे हम 5/12 में से 5/12 को माइनस करेंगे, अब देखिए आर में क्या हो रहा है ना, इस बार ये होगा आर, तो यहाँ पे आंखें होंगी तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा और ये आपका बेस होगा, राइट। तो उस कंडीशन में कॉट आर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। तो बेस आपका क्या है, यहाँ पे इसके लिए जो बेस है वो 5 है, और परपेंडिकुलर क्या है 12 है, तो यहाँ पे 5/12 दोनों के लिए होगा। जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई थी 10p माइनस कॉट आर, इसकी वैल्यू हमने पुट करी 5/12 माइनस 5/12 0। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर थर्ड होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर एक चीज क्लियरली हमारे माइंड के अंदर दी हुई है कि साइन ए की वैल्यू हमें दी हुई है 3/4, कैलकुलेट करना है कॉस ए और टेन ए। देखिए साइन ए की अगर वैल्यू दी हुई है यानी कि हमें परपेंडिकुलर और बेस जो है उसकी वैल्यू दी हुई है, राइट। परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू दी हुई है यानी कि हम ये सिंपल वे में अगर समझना चाहें इस चीज को, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे ताकि हमें चीजें इजिली समझ आएंगी, राइट। हमें 3/4 दिया हुआ था, यहाँ पे हमने 3 4 k रखा, हमने ये मान लिया कि जो k है, और यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड आउट करी ए बी की, तो ए बी की जो वैल्यू आएगी वो √7 की आएगी। तो हमने क्या किया है कि 7 k की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया है यहाँ पे। तो जैसे ही हमने ए बी अपॉन ए सी फाइंड आउट किया तो हमें क्या मिला, देखिए एक तरफ तो हमें क्या मिला, ये चीजें बहुत क्लियरली आपको समझ आ जाएगी कि हमें 3/4 दिया हुआ था, साइन ए की जगह पे हमें 3/4 दिया हुआ है यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमें दिया हुआ है, राइट। हमें नहीं पता था तो हमने 3 k और 4 k मान लिया, तो ये इसको हमने 3 k मान लिया परपेंडिकुलर, बेस को हमने मान लिया 4 k, राइट। और इसी तरीके से जो हमारा हाइपोटेनियस निकल करके आया है वो क्या आया है, 7 k निकल करके आया, राइट। यहाँ पे 7 k/4 हमने रखा क्योंकि कॉस ए हमें फाइंड आउट करना था, और कॉस ए अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, पागल बच्चा पागल बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गया 4 और हाइपोटेनियस आपका 4, 7 k, राइट। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस आपका कितना हो गया, 4 k होगा, सॉरी ए के लिए, ए की कंडीशन में ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा, कॉस ए की कंडीशन में ये परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो यहाँ पे √7 और k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √7/4 आएगा। और इसी तरीके से अगर हम 10 की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो 10 की वैल्यू को भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, केवल वैल्यूज पुट करना है, तो ये 3/7 होगा, राइट। देखिए 3/√7 होगा, सॉरी, तो 3/√7 होगा यहाँ पे, ना कि यहाँ पे √7 होगा, राइट, 3/√7 होगा। एक चीज तो हमें क्लियरली इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, एक बार और फिर से आप देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमने मान लिया कि जो बी सी है हमारा वो 3 k है, और ए सी जो होगा हमारा 4 k होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स, और यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करी और इसके बेसिस पे ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करी, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करी, राइट। अब ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करने से हमें मिला क्या, बस हमने वैल्यू पुट कर दी, फिर उसके बाद से कॉस ए और टेन ए की।
अब बारी है क्वेश्चन नंबर फोर्थ को समझने की, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ को अगर आप समझने की कोशिश करें, चीज़ें बहुत आसान हैं और चीज़ें बहुत इजी भी हैं एक तरीके से आप देखें तो। यहाँ पे जो चीज़ें हमें दी हुई थी, कॉस 15 इक्वल टू 8 अपॉन 15 हो जाएगा, अगर यहाँ पे देखें तो कॉस ए की वैल्यू को अगर आप फाइंड आउट करना चाहें तो कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी 8 अपॉन 15, राइट। ये 15 नीचे आएगा तो ये 8 अपॉन 15 दिया हुआ है, राइट। अब ये जो 8 अपॉन 15 है ना, वो कॉट ए की वैल्यू दी हुई है ना कि कॉट, ये कॉट ए है, राइट। कॉट ए की वैल्यू दी हुई है आपको, तो कॉट ए की वैल्यू दी हुई है यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो कॉट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि ये आपका बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर की अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर आपका क्या है, परपेंडिकुलर आपका 15, राइट। परपेंडिकुलर आपका क्या है, 15 है। तो अगर इसको आप मानते हैं, राइट, कॉट ए, तो ये होगा इसका परपेंडिकुलर यानी कि 15, और जो बेस होगा वो होगा 8। अब एसी फाइंड आउट करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, ए बी हमारा कितना हो गया 8 और बी सी हमारा हो गया 15, राइट। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225। इस कंडीशन में हमारे पास आएगा 289, और 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, तो ये आ गया 17। एसी की वैल्यू आ गई हमारे पास 17। अब हमें जो भी फाइंड आउट करना है उन सारी वैल्यूज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली। क्यों फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें हमें पता चल चुकी है। ये हो गया हमारा 17, राइट। ये हमारे पास ऑलरेडी 12 के हमारे पास था बेस में, जो हमारा एसी था 17 था, जो हमारा बीसी था ये 15 था, और जो हमारा ए बी था वो 8 था। अब चाहे तो के भी मान लें, कोई इशू नहीं है उसमें, क्योंकि यहाँ से के तो के कैंसिल आउट होना, 15 अपॉन 17 आएगा, यहाँ पर 17 अपॉन 8 आएगा। और इसी तरीके से अगर आप देखें साइन के बाद से एक, और फिर अगर हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करें, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में एक चीज बहुत कॉमन है, आपको जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज दिए हुए हैं ना, उन सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को फाइंड आउट करना है, जो कि काफी आसान है फाइंड आउट करना। अब यहां पे देखिए, यहां पे हमें सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है 13 अपॉन 12। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने कॉन्सेप्ट की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि जो सेक थीटा है उसकी मीनिंग क्या होती है। सेक थीटा क्या होता है, देखिए सेक थीटा जो होगा वो क्या होगा, सेक थीटा की अगर हम बात करें तो सेक थीटा होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होगा, क्योंकि कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। बेस अपॉन ये होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब हाइपोटेनियस जो आपको दिया हुआ है, हाइपोटेनियस वो 13 दिया हुआ है और ये 12 दिया हुआ है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाले हैं। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, एसी का स्क्वायर इक्वल टू बीसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर। बीसी का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो एसी का स्क्वायर माइनस एबी का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 169, और फिर 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो 25 आएगा, 25 यानी कि 5 आएगा फिर उस कंडीशन में आंसर। यहां पे हमने यूज कर लिया पाइथागोरस थ्योरम के टर्म्स में, राइट। यहां पे देखिए हमने 5, हमारी वैल्यू क्या आई, बीसी की जो वैल्यू आई है वो 5 आई है, यानी कि इजिली एक चीज हमें बहुत ही क्लियरली समझ आ रही है इस क्वेश्चन में कि जो बीसी की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आई है। देखिए यहाँ पे जो BC की वैल्यू है वो 5 आ चुकी है, राइट। और 12 और 13 हमें ऑलरेडी दिया हुआ था। केवल साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट, साइन थीटा की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है, चीजें बहुत आसान है, पागल बच्चा पागल होते होते बचा। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा, परपेंडिकुलर आपके पास 5 है और हाइपोटेनियस आपके पास कितना है, 13, 5 अपॉन 13, राइट। BC अपॉन AC, साइड ऑफ अपोजिट्स थीटा भी कह सकते हैं, थीटा के अपोजिट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, आप सिंपल समझिए। और इसी तरीके से साइन थीटा के अलावा आप कॉस थीटा की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, टेन थीटा की भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और कॉट थीटा की भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉसेक की भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। ये सारी वैल्यूज को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। आप चाहें तो सेक थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट भी कर सकते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है। देखिए अभी तक क्वेश्चंस डायरेक्टली कुछ ना सेक की वैल्यू दी जाती थी, तो वहां से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर रहे थे। अब हम 6th क्वेश्चन को पढ़ेंगे।
यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि जो एंगल ए है और एंगल बी है दोनों एक्यूट एंगल है। अब एक्यूट एंगल का मतलब क्या हुआ, 90 से छोटे हैं, और एक कॉस ए और कॉस बी बराबर है, तो हमें बताना है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों बराबर होते हैं। अब ये थोड़ा सा हमारे लिए ये ट्रिकी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम सिमिलरिटी क्राइटेरियाज का भी यूज करनी, क्योंकि यहाँ पे एंगल को भी हमें इक्वल बताना है। देखिए एंगल को इक्वल बताना आसान है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने कंसिडर कर लिया कि ए बी सी में जो सी डी है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, तो यहाँ पे कॉस ए और कॉस बी दोनों ही एंगल बराबर हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कॉस ए और कॉस बी बराबर हैं तो जो कॉस ए की वैल्यू है, जो कॉस ए की वैल्यू है, कॉस को हम क्या बोलते हैं, कॉस को तो हम यही बोलते हैं कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस बोलते हैं, राइट, बेस अपॉन हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो बेस जो है वो आपका ए डी है, राइट, आप एंगल ए की अगर बात हो रही है तो, और अगर हाइपोटेनियस की बात करें तो वो ए सी है, तो हम कह सकते हैं कि ए डी अपॉन ए सी बराबर होगा बी डी अपॉन बी सी के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्यों ये दिया हुआ था, इसके बेसिस पे हमने ये फाइंड आउट कर लिया। जब हमने ये फाइंड आउट कर लिया है तो अब हमारा जो टारगेट है नेक्स्ट, कि अब हमें बताना है कि इसके एंगल बराबर है कि नहीं है, तो इसके लिए हमने इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ाया, हमें प्रूफ करना है एंगल ए और एंगल बी बराबर है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने ए सी को एक्सटेंड कर दिया थोड़ा सा, और ए सी को एक्सटेंड कर दिया पी तक, और फिर हमने जो हमारा बी सी था, जो हमारा बी सी था वो, और जो हमारा पी सी पी है वो दोनों इक्वल है। अगर इक्वल हैं, क्योंकि इक्वेशन में हमने देखा है कि बी सी और सी पी दोनों इक्वल है, तो ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां से अगर ये सिंपल इक्वल है तो ये ऐसा लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन बी सी इक्वल टू ए सी अपॉन सी पी। क्यों किया हमने, क्योंकि हमने अभी कंस्ट्रक्ट किया था, तो जो हमारा पी सी की वैल्यू, पी सी जो है वो बी सी के बराबर है, तो हम बी सी की जगह पे यहाँ पे पी सी हमने रख दिया, बाई कंस्ट्रक्शन वी हैव बी सी इक्वल टू सी पी। इक्वेशन नंबर सेकेंड, अब जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में देखा था, तो अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं यहाँ पे एक सिमिलरिटी क्राइटेरिया, और उस क्राइटेरिया के बेसिस पे जो सी डी होगा वो पैरेलल होगा बी पी के। अब इस ये करस्पॉन्डिंग एंगल है ए सी डी, करस्पॉन्डिंग होगा सी पी बी के, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं। अब ये देखिए, अब अगर मैं जितनी भी थ्योरम्स की बात कर रहा हूँ ना, ये सारे के सारे थ्योरम चैप्टर नंबर 6 में हैं, वहां से इजिली आपको चीजें समझ आने वाली हैं। तो बी सी डी इस तरीके से, जो हमारा बी सी डी है वो बराबर होगा किसके, सी बी पी के। अब हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किस तरीके से, देखिए समझिए इस चीज को, ये एंगल सी है, इसका अल्टरनेट क्या है, एंगल बी। तो आप कह सकते हैं कि जो बी सी डी है वो बराबर होगा किसके, सी बी पी के, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। ठीक इसी तरीके से अगर आप देखें ध्यान से इन चीजों को, तो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो बी सी जो है वो बराबर होगा सी पी के, तो हम कह सकते हैं कि एंगल सी बी पी बराबर है किसके, एंगल सी पी बी के, क्योंकि दोनों ही एंगल्स जो हैं वो अपोजिट्स एंगल्स हैं, दोनों ही एंगल जो हैं वो अपोजिट्स एंगल है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल अपोजिट्स है इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स में। जब ये इक्वल अपोजिट्स हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सिंपली जो भी हमने इक्वेशन देखी, चाहे हमें इक्वेशन थर्ड फोर्थ फिफ्थ में, इसके बेसिस पे हमने क्या देखा कि ए सी डी बराबर है इसके। अब सी ए डी को ले रहे हैं, सी ए डी और सी बी डी में अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ए सी डी जो है वो बराबर है बी सी डी के। अगर ये बराबर होगा तो बहुत 90 डिग्री होंगे, और अगर ऐसा है बाकी तो फिर जितने भी एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि सी ए डी बराबर है सी बी डी के, तो एंगल बी बराबर होगा एंगल बी के, इससे ये बात प्रूफ होती है। देखिए एंगल को हमें बराबर करना है, आप बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से, आप साइड्स को इक्वल करा लो, साइड इक्वल साइड कर भी कर करके भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप वैसे भी कर सकते हो, आपको करना कुछ नहीं है। दो अलग अलग आप चीज़ें बना लो, एक आप बना लो ए पी क्यू, एक बना लो बी सी डी, और फिर वहाँ पे दोनों को रख करके, और फिर आप चाहें तो दोनों की वैल्यूज को फाइंड आउट करके सिमिलरिटी क्राइटेरिया प्रूफ कर दो, ये सिमिलर होंगे तो, अगर एंगल सिमिलर है, ट्राइंगल अगर सिमिलर है, सिमिलरिटी के रूल को फॉलो करता है, तो एंगल भी सिमिलर होगा। ये बहुत चीज़ें
सिंपल है राइट। इसका मैं एक अल्टरनेटिव भी बताता हूँ, अगर आपको लगता है कि नहीं सिक्स क्वेश्चन में सर आपने जो बताया वो काफी ट्रिकी है, तो एक इसका एक अल्टरनेटिव देखिए। अल्टरनेटिव में कैसे इसके सॉल्व करना है इसको हम ध्यान से समझते हैं। देखिए अल्टरनेटिव इसलिए बता रहा हूं ताकि आप चीजों को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर पाए और समझ पाए। अल्टरनेटिव को ध्यान से देखिए, ये काफी इजी होने रहने वाला है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि कॉस ए कॉस बी बराबर है, तो हमने ये कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू पुट कर ली। आपको पता है पागल बच्चा पागल होते होते बचा, तो बेस अपन हाइपोटेनियस दोनों में हमने सेम कर लिया। अब अगर ये दोनों सेम है तो हम ये कह सकते हैं इजिली कि यहां पे जो चीजें हैं हमने के इक्वल मान ली, और सी डी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर करा। इसी तरीके से अगर हम ए डी की वैल्यू की बात करें तो ए डी हमारा कितना आ जाएगा बी डी के, और बी सी की बात करें तो ये आ जाएगा। अब इसी तरीके से आप अगर देख पा रहे हैं सी डी अगर फाइंड आउट करना है तो ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर होगा। मतलब हमने क्या किया है, देखिए के को इक्वल रखा, यहां से ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करी, ए सी की फाइंड आउट करी, और फिर इनके अंदर हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, तो सी डी स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल चुकी है राइट। अब यहां से जो वैल्यू हमें मिली है इक्वेशन वन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इन सारे इक्वेशंस में हमने क्या किया है कि इनकी वैल्यूज को रख दिया ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के टर्म में वैल्यू पुट कर ली हमने, तो के को कॉमन ले लिया, हमने देखा कि के स्क्वायर की वैल्यू वन आ रही है। अगर ये वन आ रही है तो जो इक्वेशन सेकेंड थी उसमें हमने वैल्यू पुट करी ए सी बराबर बी सी आ गया। अगर साइड इक्वल है तो ये अपोजिट जो एंगल है वो भी इक्वल होंगे, अगर अपोजिट एंगल इक्वल होंगे तो यही चीज तो हमें प्रूफ करना था कि अगर हमारी साइड्स जो थी वो इक्वल आ रही थी यहाँ पे, तो वैल्यू को पुट करने के बाद हम ये देख पा रहे हैं कि ए सी बराबर है बी सी के। अगर बराबर है तो एंगल भी बराबर होंगे, क्योंकि अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स, ये जो अगर अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं राइट। अब एक चीज हमें क्लियरली आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर सेवन के अंदर कि क्या पूछा गया। देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन में ये पिक्चर दी हुई है, और इस पिक्चर में आपको कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है, और इसके बेसिस पे वन प्लस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा, वन प्लस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा, ये दो वैल्यू फाइंड आउट। देखिए सबसे पहले तो ये है कि कॉट थीटा आपको दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आपको ये पता होना चाहिए कि इस ट्राइंगल में कौन कौन सी वैल्यू आपको दी हुई है। जब उस ट्राइंगल्स में आपको जो भी वैल्यू दी हुई है वो आपको पता लग जाती है तो चीजें आपके लिए काफी आसान हो जाता है वहां पे। देखिए हमें कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है, अब कॉट थीटा का मतलब क्या हुआ, एक चीज बहुत क्लियर है कि कॉट थीटा का मतलब ये हुआ कि जो परपेंडिकुलर है, अगर थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ए बी होगा, यानी सेवन ए बी की वैल्यू दी हुई है, और बेस जो है वो है, आपको एट दिया हुआ है, तो सेवन का स्क्वायर 49, एट का स्क्वायर 64, दोनों को प्लस करेंगे 113 आएगा, और 113 इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 113 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। देखिए अभी मैं करूंगा तो 113 ही आएगा, आप इसको कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखिए। हमने ये कंसिडर किया कि यहाँ पे कॉट की जो वैल्यू थी हमें 7/8 दिया हुआ था, तो 7/8 हमने ए बी और बी सी की वैल्यू हमने पुट करके रख दी, यहाँ पे बी सी की वैल्यू रखी और सारी वैल्यू के टर्म में रखी, तो यहाँ पे आपने देखा कि 113 आएगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता, 7 का स्क्वायर 49 होता, आप के टर्म में रखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, अंडर रूट 113 की आएगी ए सी की वैल्यू। अब आपके पास सारी वैल्यूज मिल चुकी है तो आप साइन की वैल्यू पहले फाइंड आउट करोगे, क्योंकि आपको साइन थीटा जो इक्वेशन दिया हुआ था फर्स्ट, उसमें ब्रैकेट के अंदर 1 + sin थीटा, दूसरे ब्रैकेट के अंदर 1 - sin थीटा, नीचे 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, किसके बेसिस पे फाइंड आउट करी, इस इक्वेशन के बेसिस पे फाइंड आउट करी। क्यों करी, क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यूज दी हुई है राइट। अब परपेंडिकुलर की बात करें तो ये 5 हमें दिया हुआ है राइट, ये अगर इसकी बात करें थीटा के अपोजिट साइड ये दिया हुआ है, हाइपोटेनियस आपको दिया हुआ है 113, 113 दिया हुआ है राइट, और ये 7 आपको दिया हुआ है, ये आपको 7 दिया हुआ है राइट, ये 5 के राइट, और ये 7, तो 7 आपको 5/113, 7/113, इन सारी वैल्यूज को अब जो इक्वेशन दी हुई है उनमें हम पुट करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ था आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करी थी जो भी वैल्यू दी हुई है। अब इसका अगर आप देखें यहाँ पे ध्यान से, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और 8 अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर हो जाएगा और 113 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, अंडर रूट 13, 113 का करेंगे, 113 का करेंगे तो 113 आएगा। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करने के बाद 49 अपॉन 64 आएगा, राइट, और यही हमारा करेक्ट आंसर भी होगा। अब इसी के बेसिस पे इसका एक दूसरा क्वेश्चन है, उसको भी हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बहुत आसान है, 7/8 दिया हुआ, 7/8 का स्क्वायर कर देंगे, 49/64 होगा, ये बहुत ईजी था। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 8 को समझने की। देखिए किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको करना है ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन के अंदर दिया क्या है और हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप ध्यान से देखें तो 3 cot A की वैल्यू दी हुई है 4, तो कॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/3 हो जाएगी, यानी कि कॉट ए की वैल्यू आपको दी हुई है 4/3, आप ऐसा समझिए। कॉट ए की वैल्यू क्या दी हुई है, 4/3 दी हुई है, राइट, 4/3 दिया हुआ है कॉट ए की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे 3 cot A दिया हुआ है, ये 4 नीचे आएगा, कॉट ए की वैल्यू आ जाएगी 3/4। अब इसके बेसिस पे आप फाइंड आउट कर सकते हो जो भी आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि आप राइट एंगल कंसिडर करोगे, तो यहाँ पे कॉट ए की जो वैल्यू होगी एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, अगर कॉट ए अगर आप ले रहे हैं, मैंने आपको बताया ये आपकी आंखें हैं, आंख के जस्ट सामने परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। अब देखिए पागल बच्चा पागल होते होते बचा, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू आपको दी हुई है 3, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी आपको दी हुई है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 9 = 25, अंडर रूट 5, ये 5, ये 4 और ये 3। अब आप कुछ भी फाइंड आउट करिए, अब 10 आपको 10 के टर्म आपको फाइंड आउट करना है, कॉस स्क्वायर के टर्म फाइंड आउट करना है और इनमें वैल्यूज पुट करना है। तो सबसे पहले अब ये सारी चीज़ें हमें मिल चुकी हैं, तो हमारे लिए क्वेश्चंस काफ़ी आसान हो चुके हैं। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे हम, और पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने के बाद इनमें वैल्यूज पुट करेंगे। आप के टर्म में भी ले सकते हैं, मैंने के टर्म में लिए हैं सारे क्वेश्चंस, तो आप भी ले सकते हैं, 5 के हमने रख दिया, राइट। अब ये आने के बाद पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको बताया बहुत इजी है, आप यूज कर सकते हैं उसको। कॉस ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी 4/5, साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करी 3/5, टेन ए की वैल्यू फाइंड आउट करी 3/5, ये कैसे आ रहा है आपको पता है, पागल बच्चा पागल होते होते बचा, ये बस ध्यान रखो आप, पागल बच्चा पागल होते होते बचा, और एंगल ए आपकी आंखें हैं, तो आपको पता होगा कि जो ए बी की वैल्यू है वो 4 है, जो बी सी की वैल्यू है वो 3 है, और इसको हमने फाइंड आउट किया तो वो 5 आया था। साइन कॉस टेन इन सब की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के बाद हमने जो वैल्यूज दी हुई हैं उनके अंदर, जो इक्वेशन दी हुई है उसके अंदर हमने वैल्यूज को पुट करा। अब ये जो 1 - 10² दिया हुआ था, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज में पुट करके हमने 7/7/25 लाया। देखिए अगर आप 10th क्लास में आ करके आप ये जानना चाहते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे हैं, तो सॉरी दोस्त, क्योंकि आप बहुत पीछे हैं, आपको ये बेसिक चीज़ें तो आनी चाहिए कि यार 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 16 16 और 1, 16 में से 9 को माइनस किया 7 आ गया 7/16, इसी तरीके 16 + 9 किया 25/16, अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे 7/25 आएगा। ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप 10th क्लासेस में पढ़ रहे हैं, अगर ये कैलकुलेशन नहीं आती तो बहुत आपके लिए टफ होने वाला है क्लासेस, राइट। कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर माइनस, ये देख रहे हैं ये भी 7/25 है, ये तो दोनों इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यस, यही चीज तो हमें बतानी, तो हम कह सकते हैं कि यस, इस तरीके से हम देख पा रहे हैं दोनों ही चीजें क्या है, इक्वल है और सेम है, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर भी मैं बार बार बोलता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, कोई सा भी क्वेश्चन दुनिया का, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होता है कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। एक बार जब आप क्वेश्चन की उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेते हैं ना, तो चीजें आपके लिए आसान होती जाती हैं, डे बाई डे बहुत आसान होती जाती है। देखिए यहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन ए कॉस सी, कॉस से साइन सी, देखिए साइन ए कॉस सी, यहां पे एंगल्स की बात हो रही है, यानी कि पहली बार में परपेंडिकुलर हम ए के लिए फाइंड आउट करेंगे क्या है, दूसरी बार में सी के लिए फाइंड आउट करेंगे। मैंने आपको बताया आंख किस ठीक सामने वाली परपेंडिकुलर, ये आंख के ठीक सामने वाली जब सी के लिए होगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन तो हमने समझ चुके हैं, टेन ए की वैल्यू दी हुई है, टेन ए की वैल्यू दी हुई है, यानी कि अगर आपकी आंख ये है ए है, उस कंडीशन की वैल्यू आपको दी हुई है, वो क्या दी हुई है, 1/√3 दी हुई है, तो
तो सबसे पहले हम ए के टर्म्स में सारी चीजें फाइंड आउट कर लेंगे, फिर सी के टर्म्स में फाइंड आउट करेंगे। चीजें काफी आसान है, ध्यान से देखिएगा। दो क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे। टेन ए अगर वन अपॉन अंडर रूट थ्री दिया हुआ, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दिया हुआ है। के टर्म्स में भी आप चीजों को लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है वहां पे। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करा, वन और अंडर रूट थ्री, तो ये हो गया टू के। अब एसी की जो वैल्यू आई है वो इस बार में क्या आ गई, टू, राइट। लेकिन जो ए बी की वैल्यू है वो आपको अंडर रूट थ्री दी हुई थी, और जो बी सी की वैल्यू है वो वन दी हुई थी। कब, जब हमारी आंख ये वाली। अगर ये ए के टर्म्स में फाइंड आउट कर रहा हूं, सी के टर्म्स में बाद में हम बात करेंगे। अभी देखिए, अगर यहां से मैं कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करता हूं, जैसे कि साइन ए कॉस ए, तो क्या होगा, वन अपॉइंट टू होगा, यहां पे अंडर रूट थ्री अपॉइंट टू होगा। क्यों अंडर रूट थ्री अपॉइंट टू होगा, इस चीज को समझिए। यहां पे ये आपकी आंख थी, यानी कि साइन ए ये आंख है आपकी, थीटा होगा तो थीटा, ये परपेंडिकुलर था आपका, राइट। परपेंडिकुलर आपका ये था, यानी कि अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल ए, दैट इज वन, और ए सी जो आपका टू आया था, राइट। और ये ऑलरेडी अंडर रूट थ्री दिया हुआ था, तो हमने साइन ए हमने फाइंड आउट कर लिया। पागल बच्चा पागल, होते होते बचा। अब ध्यान से समझिए, वन अपॉन टू कैसे आया, वन यानी कि बी सी अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि ए सी वन अपॉन टू। कॉस ए भी बहुत सिंपल है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारा अंडर रूट थ्री अपॉन टू। अब साइन सी की वैल्यू में कैसे हो रहा है, ध्यान से समझिए। अब इस बार एंगल हमारा सी होगा, इस बार एंगल हमारा सी होगा, इस बार मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि चीजें आपको समझ आएंगी। ये एंगल सी होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा अब, और बेस जो है ना वो ये होगा, और हाइपोटेनियस आपका ये होगा। तो अब इस चीज के लिए जो हमारा बेस जो है वो क्या है, बी सी है, लेकिन हमें सी के अपोजिट साइड्स वाला एंगल क्या है, अंडर रूट थ्री, और इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, टू, अंडर रूट थ्री अपॉन टू। अब साइन सी आपको मिल चुका है, साइन ए मिल चुका है, कॉस ए मिल चुका है, कॉस सी भी आप इसी तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। ये देखिए, अलग कलर से मैंने आपको बताया एंगल सी के लिए क्या होगा, कॉस की कंडीशन में बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और इस बार बेस वन है और हाइपोटेनियस अंडर टू है। इन सारी वैल्यूज को जो भी इक्वेशन दी हुई है ना उसके अंदर केवल पुट करना है वैल्यू, वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन टू, यानी कि वन अपॉन फोर प्लस थ्री अपॉन फोर, वन अपॉन फोर प्लस थ्री अपॉन फोर, फोर अपॉन फोर, यानी कि वन। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन देखिए, कॉस ए माइनस साइन सी, इसमें केवल वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर हमारा जीरो होगा, अंडर रूट थ्री अपॉन टू, वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन अंडर रूट थ्री टी और टू। अब बारी है क्वेश्चन नंबर टेंथ को समझने की। देखिए क्वेश्चन नंबर टेंथ है ना, काफी आसान क्वेश्चन है अगर आप देखें ध्यान से क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन के अंदर आपको पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू दी हुई है 25, और पी क्यू आपको दिया हुआ है 5। आपको वैल्यूज फाइंड आउट करना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी। एक चीज तो बहुत क्लियर समझ आ रही है कि यहाँ पे हमारी जो आंखें हैं ना वो ये है, और इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, और हाइपोटेनियस ये होगा। अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, आप ध्यान से समझिएगा उस चीज को कि कैसे होने वाला है। अगर अगर मैं ये मान लूं कि पी आर प्लस क्यू आर आपको 25 दिया हुआ है, और पी आर की वैल्यू आपको नहीं पता है, आपको पी क्यू की वैल्यू पता है 5, और आपको कॉस पी साइन पी और टेन पी फाइंड आउट करने के लिए, पहली बात तो इसकी वैल्यूज का फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। अब इनकी वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करना, उसको आप ध्यान से देखिए। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दिया हुआ है, और पी क्यू इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो लेट हम ये मान लेंगे कि जो हमारा पी आर है वो एक्स है। अब क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स, यानी कि चीजें तो कुछ कुछ समझ आ रही हैं कि 25 माइनस एस जो है ये होगा 25 माइनस एक्स। जो पी क्यू है वो आपका 5 है, सॉरी जो पी क्यू है वो आपका 5 है, जो पी आर है वो एक्स है, जो एक्स। अब यहां से होने वाला है गेम, यहां से आने वाली चीजें समझ आपको। देखिए हमने एक्स मान लिया था जिसकी वैल्यूज नहीं पता थी। अब हम इस पूरे ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, चूंकि एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक इक्वेशन आएगी, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू हमें मिलेगी, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, और 50x इक्वल टू आ जाएगा 650, और एक्स इक्वल टू 13, यानी कि पी आर की जो वैल्यू आ गई वो 13 आ गई, पी आर की जो वैल्यू आ गई 13, इसी को तो हमने एक्स माना था। अब
अगर पी आर की वैल्यू 13 आ चुकी है तो यहाँ पे हमारे लिए जो क्यू आर है, जो हमारे लिए क्यू आर है वो था, जो हमारे लिए क्यू आर है उसकी वैल्यू हमें पता है कि क्या होने वाली है, राइट। और पी आर की वैल्यू जो है हमारे पास 13 आ चुकी है, और अभी हम क्यू आर की वैल्यूज हमें हमारे पास दी हुई थी पहले ही, राइट। अब क्यू आर कैसे फाइंड आउट करेंगे, 25 में से 13 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 25 माइनस 13 करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, 25 माइनस 12 13, और पी क्यू की वैल्यू 5 ऑलरेडी हमें दी हुई थी, राइट। अब सारी वैल्यूज आने के बाद जो हमारा मोस्टली काम होता है वो आसान हो जाता है। देखिए कैसे आसान होता है सारा काम हमारा जब वैल्यूज हमारे पास होती हैं। यहां पे अगर आप देखें ध्यान से तो पी क्यू जो हमारा है वो 5 है, और जो पी आर है, जो पी आर है वो 13 आया था, और 25 में से 13 को माइनस करके हमने 12 फाइंड आउट कर रहा था क्यू आर की वैल्यू। साइन पी कॉस पी टेन पी फाइंड आउट करना था, इसके लिए कुछ नहीं करना होता है, पागल बच्चा पागल होते होते बच्चे को ध्यान रखना होता है। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस आप ध्यान रखो, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस अगर आप ध्यान रखोगे तो 12/13 आप देख पाओगे, 12/13, राइट। कॉस पी फाइंड आउट करना है, आंखें आपकी ये हैं और इसी के बेसिस पे आपको फाइंड आउट करना है, तो बेस आपका 5 और ये 13, 5/13। टेन पी फाइंड आउट करना है, चूंकि आप देख पा रहे हैं ध्यान से अच्छी तरीके से चीजों को, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, परपेंडिकुलर आपका 12 है और बेस आपका 5 है, तो 12/5 होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10 को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 11 को समझने की। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है ना, चीजों को समझिए पहले ध्यान से, उसके बाद चीजें आपके लिए काफी आसान होने वाली हैं। अब इस चीज को मैं आपको बताता हूं कि कैसे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ट्रू फॉल्स बताना है और जस्टिफाई करना, जस्टिफाई करके हमें बताना है कि क्या ये चीजें सही हैं या गलत है। पहली चीज हमसे पूछी जा रही है कि द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या जो 10 की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है क्या? देखिए ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ कि ये ए बी सी को हमने राइट एंगल माना, और बी पे अगर हम राइट एंगल मान लेते हैं तो जो टेन ए की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 12/5 होगी। क्या होगी? 12/5, जो कि कहीं से भी 1 से ज्यादा नहीं है, वो 12 इससे ग्रेटर ही है, राइट। अब कुछ भी मान लेते हैं, अगर आप कुछ भी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करके रख लीजिए, कोई भी वैल्यूज आप पुट करके रख लीजिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन को ही अगर मैं यहाँ पे रख दूँ 12/5/13, तो आप वैल्यू पुट करके देखिए कभी भी नहीं होने वाली। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने रख लिया, यहाँ पे अगर आपने रख लिया, देखिए पागल बच्चा पागल होते होते बच्चा, अगर आपने यहाँ पे जो इसके इसको आंखें मान रहे हैं आप, तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर आपका 12 होगा, ये बेस हो गया और ये 13 हो गया, समझिए ना इस क्वेश्चन को कहाँ हो रहा है ये 5 1 से कम। तो ये हम आप कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट था ये, बल्कि ये बड़ा है 1 से, तो 10 ये स्टेटमेंट हमेशा नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सही नहीं होता, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। दूसरी स्टेटमेंट पे आते हैं, और यहाँ पे सेक इक्वल टू 12/5 दिया हुआ, और भी एंगल की वैल्यूज फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए एंगल ए। देखिए यहाँ पे 12/5 दिया हुआ ना, तो ए सी अपॉन अगर रखेंगे अगर हम, तो यहाँ पे पाई तक इसमें ये बोला जा रहा है कि जो सेक ए है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, ये क्या हो रहा है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो जो यहाँ पे वैल्यूज आएंगी वो 10.9 के करीब आ रही है, और इस बेसिस पे इस बात को हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। ऑब्जर्व करने के बाद तो हम कह सकते हैं कि ए सी माइनस ए बी सच देट ये लेस देन बी सी होगा, और यहाँ पे ए बी ए सी प्लस बी सी होगा। तो ये जो केवल वैल्यूज था हमें बताना है कि क्लियरली ये बता रहा है कि पॉसिबल है कि सेक सेक ए के लिए वैल्यू बहुत सारी पॉसिबल्स हैं इस कंडीशंस में, अगर आप देखें ध्यान से। तो हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं यहाँ पे। अब इसी तरीके से अगर हम देखें कि कॉस ए जो है यूज हो रहा है क्या कोसाइन ऑफ एंगल ए के लिए, तो अब एब्रिविएशन हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल इसका नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ही फॉल्स था। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये कॉट ए क्या कॉट ए का होता है क्या, तो हम कह सकते हैं ये भी स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। और अगर हम साइन की वैल्यू को देखें, क्या इसके लिए ये चीज़ें हैं क्या जो साइन थीटा है, कुछ एंगल देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये कह सकते हैं कि इस कंडीशन में जो हाइपोटेनियस है हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, हाइपोटेनियस हमेशा ग्रेटर होना चाहिए जो बाकी साइड से, तो ये पॉसिबल नहीं है वैल्यू, हम कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू ये पॉसिबल नहीं है, तो इस तरीके से जो स्टेटमेंट है वो गलत स्टेटमेंट है। तो
तो आई होप कि जितनी भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे 8.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। अगर आपको लगता है कि किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लाइव क्लासेस के बारे में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।